आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही है। एक तस्वीर एलीट क्लास के उस स्कूल की जिससे प्रेरणा ले दूसरे फ्रेम यानी सरकारी स्कूल के बच्चे फंस गए हैं। दरअसल इन दिनों इनमें से एक तस्वीर यानी लड़कों को डांस करने वाली तस्वीर झारखंड के गढ़वा से सामने आई है, जिसके बाद स्कूल ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 बच्चे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया था और उन बच्चों को अपने अभिभावक के साथ स्कूल आने को कहा गया था। गढ़वा के गोविंदपुर प्लस टू स्कूल के शिक्षक ने वीडियो में डांस करने वाले के साथ साथ वीडियो बनाने वाले 7 बच्चे पर कड़ी कार्रवाई की थी, स्कूल में फोन पर सख्ती लगा दी थी। लेकिन पहले वाले वीडियो में डांस करने वाली मैम साहब का क्या हुआ? वह भी तो किसी स्कूल की बच्ची थी, उनके साथ क्या हुआ? दरअसल सोशल साइट्स पर फॉलो बटन सिर्फ एक बटन ही नहीं होता, लोग आपके आवभाव, आपके विचार, आपके संस्कार सब फॉलो करने लगते हैं और आजकल ये आकलन सिर्फ बेहतर व्यूज पर आके जाने लगे हैं। चाहे आप कितनी भी गंदगी फैलाएं, ज्यादा व्यू, ज्यादा फॉलोवर और आप बन जाते हैं प्रेरणा स्रोत। इसी प्रेरणा स्रोत से ओतप्रोत होकर शायद इन सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक कारनामा कर डाला, सोचा हम भी फेमस हो जाएंगे इन दीदियों की तरह। हाँ हुए भी, लेकिन फेमस होने के बाद उन्हें फेसबुक यूट्यूब से पैसे नहीं मिले बल्कि स्कूल से सस्पेंशन का लेटर मिल गया। हम एक एक कर दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आप अधिक व्यूज़ वाले इन मैम साहब का वीडियो देखिए जो पतली कमर पर अपनी कमर लचकाती है और उनसे प्रेरणा लेकर झारखंड के स्कूल के बच्चे व्यूज़ पाने की दौड़ में कूद पड़ते। एम साहब ने इतने हाय हाय कर दिया कि झारखंड के गढ़वा के 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी इनसे प्रभावित हो गए। अब आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चे का भी वीडियो देखें। कार्रवाई कर दी है तो अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि अब रील पर वीडियो बनाने वाले पर भी स्कूल कार्रवाई करने लग गई है। ये डिजिटल क्रांति की तस्वीर है, जहां पहले बच्चे मारपीट छेड़खानी के आरोप में स्कूल से सस्पेंड होते थे तो वहीं अब बच्चे डिजिटल क्रांति के इस दौर में रील पर डांस करने के आरोप में सस्पेंड हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि बदलते हुए इस दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन कितना जरूरी है या फिर ये बच्चों को बिगाड़ने का एक आसान साधन होता जा रहा है।